वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियांश गौतम ऑफिशियल। सो ये जो मेकअप लुक आप देख रहे हो ये वट सावित्री मेकअप लुक है जिसको आज मैंने क्रिएट किया है। अगर आपको ये वाला मेकअप लुक पसंद आ रहा है और मैंने इसको कैसे क्रिएट किया है तो आपको इस वाली वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस मेकअप लुक को कैसे क्रिएट किया है। तो वट सावित्री के लिए बहुत ही अच्छा है और बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा ये वाला मेकअप लुक। तो ये है मेरा विदाउट मेकअप फेस। सो सबसे पहले मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद किसी भी फेस वॉश से आपको वॉश करना है, उसके बाद ही कोई भी मेकअप स्टार्ट करना है। सो उसके बाद मैंने सबसे पहले लिया गुड वाइब्स का ये फेस सीरम, उसको मैंने 2-3 ड्रॉप अपने फेस पे डाला है और अच्छे से इसको मैं अपने फेस पे इस तरीके से मसाज दूंगी और जब तक ये मेरे फेस में अब्सॉर्ब ना हो जाए। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया गुड वाइब्स का ये नरिशिंग डे क्रीम, सैफ्रॉन का है ये, बहुत ही अच्छा है और ये काफ़ी जो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है और मतलब फेस पे पसीना भी नहीं आने देता, मतलब इतना अच्छा है मुझे। मैं अभी कुछ ही टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे काफ़ी पसंद आया। इसको मैंने पर्पल से मंगाया है और ये जो गुड वाइब्स का मैंने अभी सीरम दिखाया वो भी मैंने पर्पल से ही मंगाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट मुझे लगे हुए हैं। एंड यहाँ पे मैंने प्राइमर यूज़ किया उसके बाद में, तो ये है NYV का प्राइमर, ये बहुत अच्छा है। ये भी आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है, नरिश करता है आपके और आपके जो मेकअप है उसको प्रेप करता है, बहुत अच्छा है, मतलब आपके स्किन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करता है, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैंने इसके बाद दिया है हिलारी रोड़ा का ये कंसीलर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेकअप स्टार्ट कर लिया, मतलब जो भी हमारा बेस था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको कंसीलर लगाना होता है, तो मैंने जो भी मेरी मतलब जो डार्क जो जगह है वहाँ पे मुझे हाइड करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया है। सो उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ अच्छे से, तो मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हिलारी रोड़ा का ये फाउंडेशन, इसको मैं और इस तरीके से डॉट डॉट करके अपने फेस पे स्प्रेड कर लूँगी और उसके बाद मैं स्पॉन्ज लूँगी कोई ब्यूटी ब्लेंडर, उसके बाद इस तरीके से लगाना है। ये शेड आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा मेरे फेस से लाइट है, मुझे भी लगता है मैं एक शेड मेरे फेस से ये लाइट आ गया है और बट अभी स्टार्टिंग में लगेगा, बट जब सेटल हो जाएगा पूरा मेकअप डन हो जाएगा उसके बाद बहुत अच्छा सा उभर के आएगा जो मेकअप लुक है मेरा। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा हैवी सा मुझे भी लगा स्टार्टिंग में कि मैंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन ले लिया है, बट सेटल डाउन होने के बाद में अच्छा लगेगा। तो ये जो फाउंडेशन है बस इतना ही है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लाइट आ गया है मेरे हिसाब से। मेरी जो स्किन टोन है वैसे मेरी स्किन टोन लाइट ही है बट उससे भी थोड़ा सा लाइट आ गया है। तो उसके बाद आप देख सकते हो अभी ये मैंने इसको अच्छे से इसको डैप डैप करके अच्छे से अपने फेस पे फैला लिया है इसको और अच्छे से मेरे फेस पे जो फाउंडेशन है सेट हो गया है। अभी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा आपको अब नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पे मेरे लिप्स थोड़े से फटफट से रहे थे तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है लिप बाम। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे लिया है कंसीलर अपनी अंडर आई एरिया में, यहाँ पे अपनी आईलिड पे सॉरी लगा रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है ये कॉम्पैक्ट, तो ये जो कॉम्पैक्ट है ये भी NYV का ही है कॉम्पैक्ट, ये भी बहुत अच्छा है, ये आपके स्वेट फ्री है और आपके मतलब स्किन पे पसीना नहीं आने देता और आपके मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग रखता है। ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया पर्सनली। पर्पल के जो प्रोडक्ट हैं मतलब बहुत अच्छे हैं, थोड़े कॉस्टली तो होते ही हैं बट मतलब ये है कि मेकअप का आपको मज़ा आ जाता है आपको मेकअप करने में, तो ये बहुत अच्छा मुझे प्रोडक्ट लगा। पर्पल से मैंने फर्स्ट टाइम शॉपिंग करी थी तो मुझे बहुत पसंद आई ये जो प्रोडक्ट है, मैं इनका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो आईब्रो फिल करने के लिए हिलारी रोड़ा का यहाँ पे फिल करने के लिए लिया है ये कुछ ब्राउन कलर और मिक्स करके मैं इसमें लेती हूँ डार्क, मैं ब्लैक कलर नहीं यूज़ करूँगी, थोड़ा सा लाइट में ब्लैक सा रहता है और थोड़ा सा ब्राउन को मिक्स करके मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा डार्क भी मुझे नहीं अच्छी क्योंकि वो फेक लगती हैं, तो यहाँ पे मैं उस ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है कॉम्पैक्ट, इसमें से पीच कलर को मैंने पिक किया, ये भी NYV का है, इसको भी मैंने पर्पल से ही बाय किया था, ये भी बहुत अच्छी किट निकली है, बहुत अच्छी मीन्स कि इसमें से वैसे तो बहुत अच्छी है बट इसमें एक जो आपने अभी देखा होगा इसमें एक सारा टूटा हुआ ही आया था, पता नहीं उन लोगों ने ऐसा भेजा था पता नहीं क्या, बट मैंने इसको वापस रिटर्न नहीं किया। अब रिटर्न क्या करती, एक ही प्रोडक्ट ख़राब आया है सो मैंने इसको रिटर्न नहीं किया, रख लिया क्योंकि एक ही उसमें से टूटा हुआ था, बाकी तो अच्छे ही थे ना, तो मैंने उसको रख लिया था। सो ये आप देख सकते हो पीच कलर को मैंने अच्छे से अपनी आईलिड पे फैला लिया, आपको पूरा ही ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेना है और ब्लेंड जब तक करना है जब तक अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए।
उसके बाद मेरे पास दूसरी जो आई शेडो पैलेट है उसमें से एक कलर मैंने पिक किया जो आप देख रहे हो। मैंने जो ब्लाउज वेयर किया वो कलर मैंने लिया है इसमें से, जैसे कि जो ब्लू कलर है इसमें से पिक किया। उसको अपनी आई बॉल पे फिंगर की हेल्प से इस तरीके से फैला लूँगी। ब्रश मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि आधा प्रोडक्ट ब्रश में रह जाता है और बहुत अच्छे से स्प्रेड नहीं होता है, तो मैं फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से फैला लूँगी अपनी आईज़ पे। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से अपनी आईज़ पे इसको लगा दिया है आई शेडो को। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लैक्मे का लाइनर। सो यहाँ मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी लगाने में क्योंकि पता नहीं क्यों एक तो लाइट चली गई थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि जब भी मैं मेकअप करने बैठी तभी लाइट चली गई थी। सो थोड़ा सा गर्मी भी हो रही थी बट मैंने सोचा कि चलो आ ही जाएगी जब तक करते हैं, क्योंकि बीच में मैं छोड़ नहीं सकती थी तो मैंने अपना करना स्टार्ट ही कर दिया था। चलो जो भी होता है देखा जाएगा आगे। सो यहाँ पर मैंने लगा लिया है ये लाइनर। तो आप देख सकते हो मैं अपने हाथ से हवा भी कर रही हूँ क्योंकि वो सूख नहीं रहा था जो लाइनर मैंने लगाया था। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद लिया है ये ब्लशर के लिए लिपस्टिक। तो लिपस्टिक को ही मैं एज अ ब्लशर लगाऊंगी और फिंगर से इस तरीके से फैला दूंगी, इसको स्प्रेड कर दूंगी, बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा क्योंकि ये लिपस्टिक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एज अ ब्लशर, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपके चीक पे कलर लेके आता है तो बहुत अच्छा सा फील सा होता है। उसके बाद मैं ब्रश लूँगी एक, तो ब्रश की हेल्प से उसके बाद मैं और अच्छे से उसको स्प्रेड कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया और आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं दिख रहा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं अच्छा लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये हाइलाइटर। ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है, इसको मैंने लोकल मार्केट से ही बाय किया है, ऑनलाइन नहीं बाय किया है। तो ये आप देख सकते हो मैंने अपने नोज़ पे लगाया है, एक अच्छा सा जो हाईलाइट हो रहा है मेरा नोज़ कितना प्रेटी सा लग रहा है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला हाईलाइटर। और सबसे मेन चीज़ सबसे अच्छा मुझे हाईलाइटर ही लगता है मेकअप में, जो कि आपके फीचर्स को बहुत अच्छा सा बना देता है, अलग से ही दिखते हैं अगर आप जहाँ पे हाईलाइटर लगा लेते हो। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपने चीक बोन पे और अपने फोरहेड पे भी लगा लूँगी मैं यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छे से लग जाएगा मेरा जो हाईलाइटर है। उसके बाद मैं यहाँ ब्रो बोन पे भी लगा दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरी जो ब्रो बोन है हल्की सी हाईलाइट हो वो भी। उसके बाद यहाँ मैं लगा रही हूँ ये हिलारी डोडा का जो है मस्कारा, और मैं यहाँ पे काजल मैं बाद में लगाऊँगी क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं पहले मस्कारा लगा लूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ पे काजल लगाऊँगी। सबसे पहले मैंने मस्कारा लगा लिया, एक्चुअली भूल भी गई थी, ये भी चीज़ थी कि मैं मतलब याद ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो अब बाद में ही लगा लेते हैं, सूख जाएगा। तो सूखने के बाद ही आपको लगाना, आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको तुरंत आपने मस्कारा लगाया, अगर आप मेरी जैसी गलती करते हो तो सबसे पहले आपको लाइनर या मस्कारा को सूखने के बाद ही आपको कोई भी काजल वगैरह लगाना है, अदरवाइज वो ना फैल जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड करके ही लगाऊंगी क्योंकि ये जो वट सावित्री का मेकअप लुक है तो थोड़ा सा अच्छा सा ही लगना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया ये वही जो मैंने एज अ ब्लशर के लिए मैंने लिपस्टिक लिया था उसी को मैं एज अ लिपस्टिक लगा रही हूँ। सो ये कुछ ब्राउन कलर की है और मरून कलर की, सॉरी, मैंने यहाँ लगा लिया। सो ये है मेरा फाइनल लुक। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरा ज्वेलरी वगैरह अपनी हेयर स्टाइल वगैरह कंप्लीट कर ली थी। सो ये मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हो। अगर आपको ये वाला मेकअप लुक पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लग रहा है ये मेरा, बहुत मेहनत करके और बहुत गर्मी में मैंने ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया था, और मेरी मेहनत को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ मुझे थोड़ा सा हेल्प भी कीजिए, मेरे लाइक कर दिया कीजिए प्लीज़ मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। तो गाइज़ मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।